गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स, कि एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होते हैं। तो चलिए समझते हैं। देखिए, एटम का अगर हम लोग बात करें तो एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, किसका? तो एलिमेंट का। एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करूं, ये आपको पता ही होगा कि एटम के थ्री फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कितने फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं? थ्री। इट मींस हम लोग एटम को अगर ब्रेक डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो तीन तरह के पार्टिकल मिलेंगे। कितने तरह के पार्टिकल? थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल। वो कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये थ्री फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं किसके? एटम के। हाउ मेनी फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम? थ्री फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम विच आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इट मीन्स एटम को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करें, तोड़ें, तो हम लोग को वहां पर तीन फंडामेंटल पार्टिकल मिलेंगे, और वो कौन कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इट मीन्स हम लोगों ने यहां पर ये समझा कि जो एटम होते हैं वो एलिमेंट के क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। तो चलिए अब मॉलिक्यूल्स हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूल्स होता क्या है। व्हेन टू और मोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू ईच अदर देन इट फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। समझिएगा कि दो या फिर दो से अधिक सेम टाइप के एलिमेंट हो या फिर डिफरेंट टाइप के एलिमेंट हो, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग बात करें H2 का, O2 का, ठीक है, फिर H2O, CO2, ETC, ये सभी क्या है? मॉलिक्यूल्स है। बोलिएगा कैसे? मैंने आपको बोला कि टू और मोर सेम टाइप ऑफ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू इच अदर देन फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो आप देखोगे कि H2 में क्या है? हाइड्रोजन के ही दो एटम है ना, तो सेम टाइप के एलिमेंट हो गए। और यहां पर दो एलिमेंट तो है ना, ये सेम एलिमेंट से भले है ना जी। जबकि O2 में भी देखोगे तो O2 में भी क्या है? ऑक्सीजन के दो एटम प्रेजेंट है। लेकिन H2O में आप देखो, हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के एक एटम, तो यहां पर डिफरेंट एलिमेंट है कि नहीं है? है। और दो या बोले यहां पर दो से अधिक है, तो मैंने आपको यही बोला। जैसे अगर मैं बोलूं CO, ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है ना। लेकिन आप यह देखोगे ये भी मॉलिक्यूल है। कार्बन एक अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। तो मिनिमम क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल में दो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, मिनिमम एक नहीं होगा। अगर एक रहेगा तो उसे हम लोग एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दो रहा या फिर दो से अधिक हो गया, चाहे वो सेम टाइप के हो या फिर डिफरेंट टाइप्स के हो, वो किस में आ जाते हैं? मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं। आई होप आप मॉलिक्यूल्स भी इधर समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करें अगर स्टेबिलिटी का, तो एटम जो होते हैं वो क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। सिर्फ इनर्ट गैस को छोड़कर, मैं क्या बोल रहा हूं, इनर्ट गैस को छोड़कर। इनर्ट गैस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सभी को छोड़कर जितने भी आपके क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं, वो आपके क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। अब लेस स्टेबल होता है, इसका क्या मतलब है? सो समझेगा कि अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर उस एलिमेंट का सेल कंप्लीट ना हो, और सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर उस सेल में, उस एलिमेंट के सेल में जितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, अगर उतना प्रेजेंट नहीं है, इट मींस वो क्या है? स्टेबल नहीं है। जस्ट एग्जांपल अगर मैं बात करूं सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सेल में बांटोगे 281, ये होगा जी। अब देखोगे कि ये फर्स्ट सेल हुआ, सेकेंड सेल हुआ, ये थर्ड सेल हुआ।
फर्स्ट सेल में कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में भी कंप्लीट है, लेकिन थर्ड सेल में कंप्लीट नहीं है ना। इट मीन्स यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, सेवन और चाहिए, वन है हमारे पास, सेवन और मिलेगा तभी ये एट बनेगा, तब ये कंप्लीट होगा। तो यहां पर तो ये क्या है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं सेल में, ठीक है, इट मीन्स ये स्टेबल नहीं है। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली अनस्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं इनर्ट गैस को छोड़कर, ठीक है। जबकि हम लोग अगर बात करें मॉलिक्यूल्स का, तो ये इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं जी, मोर स्टेबल होते हैं। तो लेस स्टेबल कौन हुए, एटम्स। मोर स्टेबल कौन हुए, तो आपका मॉलिक्यूल्स। बोलिएगा कैसे होते हैं, जस्ट एग्जांपल अगर हम लोग बात करें H2 का, देखोगे H2 इट मींस दो हाइड्रोजन, H2 का मतलब हम लोग क्या समझ रहे हैं, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। हम लोग सेल में बांटते हैं तो आपका क्या होता है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आता है। समझिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं जानते होंगे वो समझिएगा कि किसी भी एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सेल में बांटे 281, तो इसका पूछे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप सेल में बांटोगे 2 और 6 में बटेगा। अगर मैं पूछूं कि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 होगा। मतलब यहां क्लियर सी पॉइंट है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो यहां मैं बात कर रहा था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यही हो गया ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब यहां देखोगे कि हाइड्रोजन को इट मींस बोले तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब हाइड्रोजन के पास 1 है, तो यहां पर ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इससे ये ले लेता है, समझ रहे हैं, इस हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब ये हाइड्रोजन इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया था, तो ये भी हाइड्रोजन इससे क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो यहां पर देखिएगा कि दोनों हाइड्रोजन आपस में क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, इट मींस स्टेबल हो गया, क्योंकि दोनों को फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट था, और दोनों को मिल गया, तो ये क्या हो गए, स्टेबल हो गए। तो इसलिए यहां पर समझिएगा कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और यहां पर ये जो बॉन्ड बना रहे हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोवेलेंट डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड किनके बीच में बनेगा और कोवेलेंट बॉन्ड किनके बीच में बनेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये समझे कि जो एटम होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें रिएक्टिविटी का, इसका मैं बोल रहा हूं रिएक्टिविटी का, तो जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। कौन मोर रिएक्टिव होते हैं जी, तो एटम आपका मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है। जस्ट एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सभी आपके क्या है, आपके एटम्स ही है ना, तो ये सभी क्या है, आपके मोर रिएक्टिव है, क्या है, मोर रिएक्टिव है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूल्स का, तो ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, किसके कंपैरिजन में, तो एटम के कंपैरिजन में जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है, समझ रहे बात को, क्योंकि ये कंबाइन फॉर्म में है और वो आपका सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस आपका हम लोग समझे कि रिएक्टिविटी, जो रिएक्शन करने का रेट होता है वो किसका ज्यादा होता है, एटम्स का ज्यादा होता है, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, कम होता है, तो ये लेस रिएक्टिव होंगे। फिर अगर हम लोग बात करें कि फ्री स्टेट का, कि कौन फ्री स्टेट में, इट मींस कौन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं और कौन इंडिपेंडेंट नहीं एग्जिस्ट करते हैं, तो जो एटम्स होते हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट,
एटम नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, या फिर बोलेंगे एटम आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, या फिर बोले कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ आपका इनर्ट गैस को छोड़कर। इनर्ट गैस मैंने बताया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को छोड़कर जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं वो आपके फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं फ्री स्टेट में, तो मॉलिक्यूल क्या होते हैं फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इट मींस ये इंडिपेंडेंट है बट ये इंडिपेंडेंट नहीं है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप एटम और मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंस होता है वो आप समझ गए होंगे।